Che prego, magari. मैं आकाश खारका कमर्शियल अकाउंटेंट, आज जो नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से आज मुझे डिस्ट्रिक्ट का जो यूथ प्रेसिडेंट बनाया है, और आज मैं इन सबका तहे दिल से सबका अभिनंदन करता हूँ। सुनील वर्मा जी का, रतनलाल गुप्ता जी का, उमर साहब का, और इन सबका मैं तहे दिल से, डॉक्टर साहब का, इन सबका मैं तहे दिल से अभिनंदन करता हूँ। और मैं जहाँ पे आज सबके सामने ये शब्द लेता हूँ कि आने वाले टाइम पे हम पार्टी का जो है दामन हद से ज़्यादा जो है मजबूत करेंगे, और आने वाले टाइम पे जितना भी जिस तरह से भी हम पार्टी की जो कार्यकर्दगी है, जो उनकी नीतियाँ हैं, उसको हम लोगों तक पहुँचाएंगे, उनके कामों को हम लोगों तक पहुँचाएंगे, और पार्टी का जो दामन है उसे और मजबूत करेंगे। जय हिंद, जय भारत। आकाश काका साहब हैं, एक पढ़े लिखे नौजवान हैं, वो पिछले एक अरसे से इनका हमारी जमात के साथ रास्ता है। हम काफ़ी देर से इनको देख रहे हैं, ये गरीब लोगों के लिए दिल में बड़ा एक जगह है इनके लिए, इनमें तो ये सब कुछ देखते हुए मैंने अपने सब साथियों के साथ मशवरा करके, और जो हमारी पार्टी हाई कमांड है उनके नोटिस में लाके उनसे परमिशन लेके मैं इनको आज मैंने ज़िला उधमपुर का जो यूथ नेशनल कॉन्फ्रेंस का सदर जो है वो नॉमिनेट किया है। तो नौजवानों के लिए, गरीब जो दबे कुचले जो लोग हैं उनके लिए, तो मुझे काफ़ी उम्मीद है कि ये जो पार्टी की जो नीतियां हैं, जो पार्टी के जो प्रोग्राम हैं, उन्हें घर घर तक पहुंचाएंगे, और जो एक जद्दोजहद हमारे कायदे सानी डॉक्टर फारूक दुल्ला साहब या उमर दुल्ला साहब गरीब लोगों के लिए जो संघर्ष कर रहे हैं, उनके हक और अधिकारों की जो लड़ाई लड़ रहे हैं, उसमें शाना बशाना अशोक ये अपने आकाश काका साहब उनका एक हिस्सा बनेंगे, उनका साथ देंगे। और जो एक लक्ष्य हमने लिया हुआ है कि रियासत जम्मू कश्मीर में जो हमारा जो हमारा बुनियादी जो हमारा हक था 370 जो हमसे धोखे से छीन लिया गया मरकजी हुकूमत ने, उसे वापस लाना है। और जो रियासत जम्मू कश्मीर में जो अफरा तफरी का जो माहौल बना हुआ है, गरीब लोगों के साथ उनका शोषण हो रहा है, जो उनके हक की जो लड़ाई है, जो हमारी लीडरशिप लड़ रही है, उसमें एक हिस्सा बन के हमें उस लड़ाई को आखिरी अंजाम तक पहुंचाना है, और लोगों को जहां उनके हक और अधिकार दिलवाने हैं, और रियासत जम्मू कश्मीर में जैसे पहले खुशहाल एक माहौल था, तो उस माहौल को फिर दोबारा से जहाँ बहाल करना है, ताकि हम सब लोग सुख और चैन के साथ जहाँ जिंदा रह सकें।